सो हेलो गाइस, फिर से आ चुका हूँ वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कुछ इसी प्रकार का नेक्स्ट लेवल एटीट्यूड वीडियो एडिट करने वाले, जो कि इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप भी इसी तरह का नया स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और इसी तरह का नया स्टेटस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है इलाइट मोशन। तो इलाइट मोशन एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या तो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूँ। टेलीग्राम चैनल पर भी जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने के बाद सिंपली आपको इलाइट मोशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इलाइट मोशन एप्लीकेशन को इस तरीके से टैप करके ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि नया वर्जन में थोड़ी देर टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलेगा, तो आपको जस्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाना है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे दो प्रोजेक्ट शो हो रहा है मेरा, ठीक है। एक है सॉन्ग बीट मार्ट टेक्निकल सोहेल, दूसरा है शेक इफेक्ट बाय टेक्निकल सोहेल। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आपको शो नहीं होगा, ठीक है। इस दोनों प्रोजेक्ट को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस दोनों प्रोजेक्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। सॉन्ग बीट मार्ट उसके नीचे लिंक रहेगा, उस लिंक पे टैप करके आपको इंपोर्ट करना है, और शेक इफेक्ट उसके नीचे लिंक रहेगा, लिंक पे टैप करके इंपोर्ट करना है। अगर इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हाउ टू डाउनलोड ऑल मटेरियल लिख के सब कुछ आज मतलब एक वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को वॉच करके आप लोग समझ सकते हो मतलब कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, इस तरीके से टैप करके ओपन करना, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैं आधा कम करके दिया हूँ। आपको जस्ट फोटो ऐड करना है, ठीक है, और इफेक्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको जो लोगो है यहाँ पे, आप चाहो तो इस लोगो को भी रख सकते हो, या तो आपका लोगो भी ऐड कर सकते हो, जो आपका मर्जी, ठीक है। उसके बाद आपको फोटो ऐड करना है। तो यहाँ पे जो फोटो है, इस फोटो को कैसे ऐड करोगे, ठीक है। तो इस फोटो को ऐड करने के लिए आपको फोटो को रिसाइज करना पड़ेगा। तो रिसाइज करने के लिए आपको क्या करना है, बैक जाना है, प्लस क्यों प्रेस करना है, 9:16 को सिलेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस क्यों प्रेस करना है, मीडिया पे जाना है, और जिस भी फोटो में वीडियो एडिट करना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला फोटो में वीडियो एडिट करना चाहिए, तो इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया, थ्री डॉट पे टैप करना है, फुल कॉम्पोजिशन एरिया करोगे तो ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेना, और जो सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट को इस तरीके से मिडिल पे ले लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट बटन पे जाना है, करेंट फेमस पीएनजी पे टैप करना, और एक्सपोर्ट बटन पे टैप करके एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है, सेव कर लेना। तो आप लोग ये कर लेना, मैं पहले से ही करके रखा हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक ही मतलब फोटो को रिसाइज करना है, और कुछ ज्यादा फोटो को एक्सपोर्ट नहीं करना है, एक ही फोटो को मात्र रिसाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद फिर से आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, और जिस फोटो को आप लोग रिसाइज किया उसी फोटो को मतलब ये सिंगल बीट मार्क से लेकर मतलब 0.6 से लेकर एकदम लास्ट में डबल बीट मार्क है, इस डबल बीट मार्क के अंदर जितने भी लेयर है सभी लेयर के सभी रेड कलर के सभी लेयर पे उसी फोटो को ऐड करना है, रिसाइज किया हुआ फोटो को, ठीक है। तो रिसाइज किया हुआ फोटो में एग्जांपल के लिए हम ये वाला फोटो लेयर के टैप किया, ठीक है, कलर फॉर्म में गया, वाटर टेक्निकल सोहेल इमेज लिख जाएगा, इमेज पे टैप करना है, ठीक है। और इस जिस भी फोटो को ये मतलब एक्सपोर्ट किया था मतलब रिसाइज किया था उसी फोटो को ऐड करना है। तो ये वाला फोटो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए आप कोई भी फोटो कर सकते हो, ठीक है, किंतु रिसाइज किया हुआ फोटो को ऐड करना, ठीक है। उसके बाद सेम पोज में फिर से इसी लेयर पे भी फिर से लेयर पे टैप करना है, कलर फिल में जाना है, ऐप पे टैप करके सेम पोज में फिर से सेम फोटो को ऐड करना है, ठीक है। इसी तरीके से सेम पोज में ऐसे फिर से आपको सेम पोज में ऐप पे भी सेम उसी फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम पोज में जितने भी लेयर है रेड कलर का जितने भी लेयर है एकदम डबल बीट मार्क तक ऐसे, ठीक है, जितने भी लेयर है मतलब 16.29 सेकंड में जितने भी लेयर है सभी रेड कलर के लेयर पे एक ही सेम उसी फोटो को रिसाइज किया फोटो को ऐड करें, ठीक है। तो वेट हम लोग ऐड कर लेते हैं, उसको बाद ही आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो सभी लेयर पे हम लोग फोटो को ऐड कर लिया, आप देख ही सकते हो, आपको भी इसी तरीके से सेम पोज में सभी लेयर पे फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो फोटो को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, डबल बीट मार्क करना है, उसके बाद आपको फिर से और भी फोटो को ऐड करना है, ठीक है। और भी फोटो को कैसे ऐड करोगे, उसके लिए प्लस क्यों प्रेस करना है, मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाना है, ठीक है। मीडिया पे जाने के बाद जिस भी फोटो आपका जो कोई भी फोटो जिस फोटो में आप लोग वीडियो एडिट करना चाहते हैं, हम ये वाला फोटो, इस फोटो को इस तरह सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट में टैप करना है, फुल स्क्रीन करना है, फुल कॉम्पोजिशन एरिया पे करना है, थोड़ा सा जूम करना है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा जूम करना है, और दूसरे वाला बीट मार्क पे जाके इस तरीके से कट आउट कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम पोज में फिर से आपको इसी तरीके से फिर से एक फोटो को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट में टैप करना है, फुल कॉम्पोजिशन एरिया पर करना है, थोड़ा सा जूम करना है,
और दूसरे वाला बीट मार्क पे जाके इस तरीके से कट करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम पोजीशन में आपको सेम पोजीशन में तीसरे वाला फोटो को भी इस तरीके से ऐड करना है, थ्री डॉट में टैप करना है, फुल कॉम्पोजिशन एरिया पे टैप करना है, मूवमेंट ट्रांसफर में जाना है, यहाँ पे जूम ऑप्शन में जाकर थोड़ा सा जूम कर लेना है और इस तरीके से सब्जेक्ट को पॉइंट को मिडिल पे लेने के बाद दूसरे वाला बीट मार्क पे जाके कट करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम पोजीशन में बीट मार्क के मुताबिक जितने भी बीट मार्क है सभी बीट मार्क के मुताबिक आपको अलग अलग फोटो ऐड करना है, ठीक है। तो वही हम लोग ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमने सही फोटो को ऐड कर लिया, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से बीट मार्क के मुताबिक सभी फोटो को अलग अलग सभी फोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो फोटो को ऐड करने के बाद फोटो के ऊपर जो इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट नहीं दिखाई देगा तो आपको इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, बैक जाना है और सेकीपेड जो है सेकीपेड बाय टेक्निकल स्किल उसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद जो फोटो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, इस फोटो को इस तरीके से टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट में टैप करके कॉपी इफेक्ट करना है, ठीक है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाना है, ठीक है। बैक जाने के बाद जो सॉन्ग बीट मार्क है सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद मतलब जहाँ से डबल बीट मार्केट वहाँ पे आ जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब 16.29 सेकंड में और जहाँ से मतलब फोटो ऐड कर रहे हो, ठीक है, इस फोटो को इस तरीके से टैप करके फिर मैं जाकर थ्री डॉट में जाकर पेस्ट, सेम पोजीशन में दूसरे वाला फोटो भी इसी तरीके से पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी डबल बीट मार्क के बाद जितने भी फोटो सही फोटो में आपको इस तरीके से इफेक्ट को पेस्ट करना है, ठीक है, एक एक करके। तो आप देख लो मतलब कैसे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से मतलब सेम पोजीशन में सभी इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से ऐड कर लेना, इसी तरीके से आप थोड़ा सा देख लो मतलब कैसे इफेक्ट को ऐड कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से सेम प्रोसेस में सभी फोटो में इफेक्ट को ऐड करना है, ठीक है, इसी तरीके से। तो आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है, फिर से और भी एक फोटो इसी पे, इस फोटो पे भी आपको पेस्ट करना है और उसके बाद एक फोटो इस फोटो पे भी पेस्ट करना है, ठीक है। तो सभी फोटो में इफेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप क्या करो, क्या करना है मतलब फोटो के ऊपर जो एच आर डी इफेक्ट है वो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से सेकीपेड को जाना है और यहाँ पे भी टेक्निकल सोएल डी के जो फाइव लेयर है इस फाइव लेयर को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से फाइव लेयर को सिलेक्ट करना है और प्लस की लेयर पे टैप करें कॉपी फाइव लेयर, ठीक है। कॉपी फाइव लेयर करने के बाद इस तरीके से फिर से बैक जाना है और सॉन्ग बीट मार्क ओपन कर लेना है और सबसे पहले वाला जो बीट मार्क है 0.6 में इस बीट मार्क पे टैप करना है, आ जाना है और यहाँ पे जाके मतलब प्लस की लेयर पे जाके इस तरीके से पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो पेस्ट हो गया, उसके बाद एकदम वीडियो को लास्ट में जाना है और इस पांचों लेयर को आपको फिर से इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इस बटन पे टैप करके इस तरीके से बड़ा कर देना है, ठीक है। तो सभी फोटो में इफेक्ट ऐड हो गया, उसके बाद वीडियो फुल रेडी हो गया। आप चाहो तो एक बार प्ले करके देख सकते हो और नहीं चाहो तो आप एक्सपोर्ट बटन मिलेगा, एक्सपोर्ट बटन पे टैप करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एरो पे टैप करना है और एखे 720p HD को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे 12 MB के मुताबिक कर लेना है, फुल ही रहने देना है, 12 MB के मुताबिक कर लेना, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे टैप करके एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे फिर से एक नया वीडियो में, तो उसके लिए टेक केयर, बाय बाय। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।